ये क्रीमी क्रीम है। हाँ, कितना कितना बढ़िया चिल्ला रहे हैं ना बच्चे। आप रिलेट कर पाओगे कि मैं भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मंडे को। दिस इज अ वर्क ऑफ भाई, आज है 13th of April, कल था मेरा बर्थडे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिसने मुझे बर्थडे विश किया है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, डीएम में या फिर ईमेल्स में। थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सेकेंडली, स्पेशल थैंक्स टू स्मित भैया, हर्ष भैया, अमित भैया एंड उत्कर्ष भाई। ये लोग रात को 12 बजे मेरे घर आ गए थे केक लेके। स्क्रीन में यहाँ कहीं आपको केक्स की पिक्चर दिख जाएगी और बाकी आपको मेरे ब्लॉग्स में पता चल जाएगा सब कुछ। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू विधि सिंह एंड दिव्या वर्मा। विधि सिंह ने मेरे को दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंडोर प्लांट्स प्रेजेंट किए हैं और साथ में दो पेस्ट्रीज भेजी थी जो आपको अभी वीडियो में आगे दिख जाएंगी। वहीं दिव्या वर्मा ने मेरे लिए भिजवा रखा था एक होममेड केक जो उन्होंने खुद बनाया था और वो गजब हो रहा था, मैंने कल काट दिया था। अभी फटाफट से उन सभी चीज़ों को यहाँ लाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना वाला केक जो मैंने खास वीडियो के लिए बनवा रखा है। गजब भाई, गजब, एक नंबर ये केक बनवा रखा है मैंने स्टैंडर्ड से। और आप डिटेलिंग देखो तो उन लोगों ने यार सीट्स तक बना रखी हैं, उसमें तक ध्यान दिया। एकदम अपना थार जैसी नहीं बन सकती थी क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल होती है क्ले या फिर वैक्स से, बट ये ऑफ रोड व्हीकल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। सो ये पोर्ट्रे कर रहा है कुछ मतलब कीचड़ टाइप, जहाँ से ये 4x4 व्हीकल निकल रहा है और ये सब पेबल स्टोन वगैरह, नीचे भी पूरा वैसे ही सीन बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गजब। एक साइड से नहीं, ये इन्होंने प्रॉपर पूरा का पूरा 3D डिज़ाइन बना रखा है, प्रॉपर डिटेलिंग कर रखी है, यहाँ इंडिकेटर्स वगैरह सब दिखा रखे हैं, सीट्स चारों तरफ से और हैंडल्स वगैरह तक अच्छे से बना रखे हैं, ये हिंजेस बना रखे हैं, रियर व्यू मिरर तक बना रखा है, इधर वाइपर भी बनाने की फुल कोशिश कर रखी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गजब। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस केक के लिए, जितनी मेहनत उन लोगों ने इस केक में कर रखी है। ये केक लाए थे अमित भैया और ये केक लाए थे स्मिथ भैया। इन केक्स का ना पूरा का पूरा डिटेल में आपको दिख जाएगा मेरे व्लॉग वाले चैनल में। डोनट्स बना रखे हैं मेरी भाभी ने घर में, जिनकी रेसिपी उन्होंने डाल रखी है, आप देख सकते हो इफ यू गाइस वांट। ये वाला केक दिव्या ने बना रखा है। ये है वो पेस्ट्रीज जो लोपेरा से विधि ने मेरे लिए मंगाई है, इनका मैं आराम से क्लोजअप देता हूँ। ऐसे मज़े हो रखे हैं आजकल की भाभी ने अपने वीडियो के लिए डोनट्स बनाए, मुझे वीडियो में अपने खाने के लिए मिल गए। दिव्या ने ये बटर चिकन बर्गर बनाया अपने वीडियो के लिए और ये भी मुझे अपने वीडियो में खाने के लिए मिल गया। पनीर पैटी और एक चीज़ एंड कॉर्न पैटी जिसे रखने की अभी जगह नहीं है, वही अपना लास्ट ईयर की तरह 90s स्टाइल में करने वाला था। बट केक इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। चोको वनीला फ्लेवर है भाई ये। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स क्विकली डाइव इन टू दिस। चोको वनीला मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। हाँ, अंदर चोको चिप्स भी डाल रखे हैं हर लेयर में। हाँ, कितना कितना बढ़िया चिल्ला रहे हैं ये बच्चे। गजब भाई, फ्रेश केक का ना स्वाद ही अलग होता है। ये क्रीमी क्रीम है। देखो मैं इसको स्पून से तमीज से खा सकता हूँ बट वो मज़ा नहीं है। केक देख के ना मेरी तबीयत सही होगी पता है, वरना मुझे बहुत ही बुरा कोल्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मतलब मेरा सर फट रहा था अभी तक बट केक देख के मैं खुश हो गया है। तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, कुछ खाने का मेरा खास मन नहीं कर रहा है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था, आज ये तैयार हुआ है, एकदम फ्रेश है। अगर 1-2 दिन मैं वेट करता अपनी तबीयत सही होने का तो डेफिनेटली इसका उतना मज़ा नहीं आता जितना अभी आ रहा है। तो सिर्फ इस केक की वजह से मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो,
अदरवाइज जिस हिसाब से मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं करने वाला था आज वीडियो रिकॉर्ड। ये ट्राई करते हैं यार। यार ये वाली पेस्ट्री ना मैंने फॉक्स ट्रेवलर में या कहीं तो देखी है, 5 स्टार होटल्स में बनाते हुए मतलब दिखा रहे थे शेफ्स। ये ऊपर की लेयर मेरे को लग रहा था क्रंची क्रंची जैसी होगी। अरे पेपर सॉफ्ट। डोंट जज मी बट मैं ऐसी पेस्ट्रीज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी मच लकी। मेरे आस पास ऐसे लोग हैं जो इतना बेहतरीन खाना बनाते हैं अपने वीडियोज़ के लिए और मुझे अपने वीडियोज़ में वो खाने के लिए मिलता है। चिकन बर्गर ट्राई करते हैं, दिव्या ने बनाया। जो लेट्स डाइव इनटू दिस। यार या तो मेरे जुकाम की वजह से मुझे इसमें बटर चिकन का टेस्ट नहीं आ रहा। मुझे इसमें चिकन का बहुत बेहतरीन टेस्ट आ रहा है बट बटर चिकन क्यों बोला गया इसे? अगर आप इसे सिर्फ चिकन बर्गर बोलते हो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बटर चिकन बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बट जस्ट बिकॉज ये बटर चिकन बर्गर बोला गया है थोड़ा सा बटर चिकन का मैं टेस्ट ढूंढ रहा हूँ इसमें। नहीं ये है पाइन एप्पल केक। यहाँ जो एक और केक रखा है वो है चॉकलेट। जिस बेकरी से वाला केक लिया है उधर से ये लिया है। मैं फर्स्ट टाइम पीने वाला हूँ। पता नहीं कितने का ये मैंने ऐसे ही रखवा दिया था। 90 रुपीज़ का ये बेजल सीड ड्रिंक मैंगो। मैंगो का टेस्ट आ रहा है बढ़िया बट वो सीड्स का ना जैसे अमरूद के बीज होते हैं ना वैसा सा टेस्ट दे रहा है। वो बेचने वाला आ गया। फ्रेश बेकरी प्रोडक्ट्स बेचता है। रिकॉर्ड करके स्पीकर पे चला के और जब भी आता है तो बगल वालों का जो डॉग है वो रोने लग जाता है पता नहीं क्यों। आ रही आवाज़? लेट देख रहा हूँ। एक तो वेट नहीं किया जा रहा है पर ये भौंक रहे हैं। ये केक ना पीछे से आधा उसी रात को ख़त्म कर दिया था स्मित भैया हम लोगों ने खा के लगा के। ये भी उसी दिन का है। बचा के मैंने रखा था, घर वालों को भी नहीं दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को वीडियो में दिखाना था बट उसके लिए बेचारे के लिए जगह नहीं है। ये केक वगैरह खा के ना वो ट्रिगर हो जा रहा था शायद शायद रात को जुकाम से मेरी हालत ख़राब होने वाली है। ये वाले केक बेक मास्टर से यही हो रहा पता है। चीक आते आते रुक जा रही है आते आते। आंधी चल रही है बाहर बहुत भयंकर। आई डोंट नो कि ये सामने स्क्रीन में कैसा दिख रहा है कितना बड़े दिख रहे हैं बट ये दोनों ही केक इतने बड़े हैं और इतने हेफ्टी हैं ना कि इनका जो एक एक पोर्शन मैंने खाया है
ये एक एक मील के बराबर है, नॉट किडिंग। ये डोनट ट्राई करते हैं, भाभी ने बना रखे हैं। ये डोनट मैं किसी को भी खिला दूंगा। कोई नहीं बता सकता कि ये घर में बना हुआ है। मेरे से कुछ तो गलती हुई है, कल से ही पता नहीं क्या अनसर्टेन चीजें हो रही हैं। कल से मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आज एक और चोट लग गई। फ्रिज में सामान रख रहा था 3-4 अंडे फूट के। बच्चों की आवाज़ आज बंद ही नहीं हो रही है, जबकि 8:30 बज रहे हैं रात के। अभी मतलब मुझे इन खानों के टेस्ट से ज़्यादा ना टेंशन हो रही है कि मैं रात को सोऊंगा कैसे। नींद नहीं आ रही भाई मुझे, कल रात को भी नींद नहीं आई मुझे। बड़े डोनर बहुत बढ़िया होने, शायद भाभी ने इसकी रेसिपी डाल रखी है। मैं पूछ लूँगा एक बारी भाभी से, अगर डाल रखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और साथ ही साथ दिव्या ने ये बर्गर की रेसिपी डाल रखी है, उसका तो मेरे को पता है, उसने डाल रखी है। वो छींक आते आते ना रुक जा रही है। जब भी कोल्ड कफ हो ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये वाला भी लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं अंदर से कुछ ऐसा। मुझे बहुत मन था इन सभी केक्स को वीडियो में दिखाने का, अगर इन केक्स का मेरा मन नहीं होता वीडियो में दिखाने का, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज केक्स, हाँ, जो भी मटेरियल है सबसे ज्यादा ठंडा भी यही हो रहा है। पीछे जो केक है ना, एक ये प्लेट ऐसी मोमो की बना रखी, ये ईटेबल है, ये चटनियां ईटेबल है, मोमो ईटेबल है। ये KFC का बकेट बना रखा है, इसके अंदर चिकन लेग पीस जैसे बना के रखे हुए थे, वो भी ईटेबल थे। ये कोक का कैन ईटेबल था, ये भी एक बाइट मैंने मार रखा है। ये पिज्ज़ा ईटेबल है, सोच समझ के ऑर्डर दिया भैया लोगों ने। ये पैटीज ट्राई करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं मीठे से। चीज़ एंड कॉर्न पैटी है, स्टैंडर्ड बेकर्स ने दिल जीत लिया। बाहर बटर का टेस्ट होता है ना पैटीज में, ये पिज्जा और ये केक का पीस जो कटा हुआ है, इसे याद रखना, ध्यान से देख लो इस पीस को। मंडे को आप रिलेट कर पाओगे कि मैं भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मंडे को पता नहीं कौन पीता होगा इसे, इसको खाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। चीज़ केक का भी ऐसे ही रहता है बेस, बार बार ना छींक आके रुक जा रही है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ वही हो रही है। चलो भाई, दिस इज़ अ वर्क ऑफ ये इतनी थिन लेयर होती है ना कि इसको ऐसे प्रॉपरली रखना इसके ऊपर भी एक आर्ट है। ये भी इतनी थिन थिन लेयर होती है ना, दिखने में काफ़ी नॉर्मल सा लगता है बट बहुत टफ होता है। इसको उठा के हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, हम एक्स्ट्रा माइल जाएंगे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अंदर पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, ये है आर्ट। और फिर इसके ऊपर असेंबल करके ये रखना ऐसे, जो कि देखो मेरे से नहीं हो पाया, बिल्कुल टूट चुका है, जो कि अब 2 पीस में टूट चुका है। ये है वो चीज़ें जिनको बनाने में नेक्स्ट लेवल मेहनत लगती है। जैसे तैसे वापस उठा के लाए, सो आपको दिखाने के चक्कर में हुआ है। लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट।
वो इतना मीठा था कि अगर मैं आधा बाइट लेता ना उसका, तो सेकेंड हाफ लेने का मेरा हिम्मत ही नहीं हो पाती, इतना मीठा था। बट उतना ही टेस्टी था, इसलिए एक बाइट में खाया। भाई इंसुलिन ऐसे माथे पे चढ़ के नाच रहा है, इतना ज़्यादा स्पाइक कर चुका है। आई होप नेक्स्ट कुछ वीडियोस में भी मैं इस केक को इंक्लूड कर पाऊँ। भाई ये जुबान नहीं होता ना, अलग ही स्वाद आया था मुझे आज। आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ये सभी आइटम्स मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किए हैं, अदरवाइज मैं सिर्फ इस केक को इंक्लूड करने वाला था, और वो ये अपना 90s के स्टाइल में थोड़ी सी नमकीन बिस्किट टॉफ़ी चाउमीन समोसे एक प्लेट में लेके जैसे हम सर्व करते थे वैसे सब कुछ होने वाला था। बट जब लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं मतलब इतना सा तो कर ही सकता हूँ कि उनको पब्लिकली मैं थैंक यू बोल सकता हूँ इतने प्यारे जेस्चर के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित भैया, स्मित भैया, हर्ष भैया एंड उत्कर्ष भाई इतने प्यारे केक लाने के लिए रात को 12 बजे। सेकेंडली थैंक यू सो मच विधि सिंह एंड दिव्या वर्मा, विधि सिंह उर्फ शैली, थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा बेहतरीन पेस्ट्रीज मेरे को खिलाने के लिए और इतने ज़्यादा खूबसूरत इंडोर प्लांट्स मेरे को देने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच दिव्या वर्मा इतने गजब केक के लिए और अपने आज के चिकन बर्गर के लिए, थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थर्डली थैंक यू सो मच भाभी इतने बेहतरीन डोनट्स बनाने के लिए घर में, इन्होंने पूरा डोनट्स का डब्बा मेरे को बना के दिया था। और हाँ अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं भाभी से पूछ लूँगा, उन्होंने अगर रिकॉर्ड कर रखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो थोड़ा सा लो उसमें गया हो मेरी तबीयत की वजह से, आई एम रियली सॉरी। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Peace!